हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि हम लोग एक सीरीज लेकर चल रहे हैं फ्रेंड, देखिए पिछले वीडियो में हम लोग 224 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए थे फ्रेंड। आज उसी के आगे से हम लोग हल करेंगे, तो आइए देखते हैं। शुरू करने से पहले फ्रेंड, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। चलिए फ्रेंड देख लेते हैं। देखिए कह रहा है 225 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 225 है फ्रेंड, सोमनाथ होर का माध्यम है। तो फ्रेंड आपको बताना, जो आर्टिस्ट सोमनाथ होर थे वो अपने कार्यों को किस माध्यम में किए हैं, आइए हम लोग देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन क कह रहा है ग्रेनाइट स्टोन, ख कह रहा है धातु, ग कह रहा है सिरेमिक, घ कह रहा है सीमेंट कंक्रीट। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 225 नंबर का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख यानी धातु, ठीक है फ्रेंड। जो सोमनाथ होर थे उनका माध्यम जो था वो धातु था, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 226 कह रहा है, चर्चित कलाकृति मदर विद चाइल्ड कलर एचिंग के छापाकार है। तो फ्रेंड आपको बताना, जो चर्चित कलाकृति थी मदर एंड चाइल्ड, उसके छापाकार कौन है, आइए ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन क कर रहा है चित्र प्रसाद, ख कर रहा है शंकु चौधरी, ग कर रहा है सोमनाथ होर, घ कर रहा है जयकृष्ण अग्रवाल। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 226 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग यानी सोमनाथ होर, ठीक है। सोमनाथ होर के द्वारा मदर विद चाइल्ड छाप कलाकृति बनाई गई है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 227 है, पी जेंट्स मीटिंग वुड एंग्रोविंग के प्रिंट मेकर है। तो फ्रेंड आपको बताना है, जो पी जेंट्स मीटिंग है उसको प्रिंट माध्यम में किसने प्रिंटेड किया है, आइए देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन क करा है सोमनाथ होर, ख करा है हरेन दास, ग करा है चित्र प्रसाद, घ करा है अनुपम सूद। तो फ्रेंड जो 227 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर क यानी सोमनाथ होर, ठीक है फ्रेंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 228 का रहा है, द जर्नी कलर एचिंग व द चिल्ड्रेन एचिंग कृति किसकी है। तो फ्रेंड आपको बताना, ये जो द जर्नी और द चिल्ड्रेन जो कृति है वो किस कलाकार की है, आपको बताना है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन क करा है नंदलाल बोस, ख करा है सोमनाथ होर, ग करा है दीपक बनर्जी, ग करा है चित्र प्रसाद। तो फ्रेंड जो 228 क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख सोमनाथ होर, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, 229 है, प्रिंट के लिए माध्यम के रूप में कागज की लुगदी का प्रयोग निम्नलिखित में से किसने किया। तो फ्रेंड आपको बताना है, जो प्रिंट के माध्यम के लिए कागज के लुगदी का प्रयोग करते थे वो निम्नलिखित में से कौन से आर्टिस्ट करते थे, ठीक है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन क कर रहा है सोमनाथ होर, ख कर रहा है जगमोहन चोपड़ा, ग कर रहा है अनुपम सूद, घ कर रहा है लक्ष्मण गौड़, ठीक है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 229 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क यानी सोमनाथ होर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 230 है। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन कह रहा है कि सोमनाथ होर की प्रसिद्धि किस रूप में है। तो फ्रेंड आपको बताना है, जो आर्टिस्ट सोमनाथ होर जी थे वो किस विधा में पारंगत थे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं फ्रेंड ऑप्शन इसके। देखिए फ्रेंड ऑप्शन क कह रहा है वामपंथी कार्यकर्ता, ख कह रहा है चित्रकार, ग कह रहा है प्रिंट मेकर, घ कह रहा है इनमें से सभी। तो फ्रेंड आपको बताना है, जो 230 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, आइए देख लेते हैं। देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ यानी इनमें से सभी, ठीक है। सोमनाथ होर जी जो थे वो वामनपंथी कार्यकर्ता, चित्रकार व प्रिंट मेकर, इन सभी में उनकी ख्याति अर्जित थी, ठीक है। इन सभी में उन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की थी। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 231 है, कैंपेनियंस तैल संग्रह तैल माध्यम में जो कि ललित कला अकादमी नई दिल्ली में संग्रहित है, के कृतिकार हैं। तो फ्रेंड आपको बताना है, कैंपेनियंस किसके द्वारा बनाया गया, आइए ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन क करे अनुपम सूद, ख करे सोमनाथ होर, ग करे अंजलि इलामेनन, घ करे भूपेन खक्कर। तो
अपन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 231 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी सोमनाथ होर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 232 है, नाइट सिंफनी 1962 एचिंग माध्यम में, जो कि ललित कला अकादमी नई दिल्ली में संग्रहित है फ्रेंड, किसकी कृति है आपको बताना है। तो आपको बताना है फ्रेंड, जो नाइट सिंफनी है वो किसके द्वारा बनाया गया है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन क करे अनुपम सूद, ख करे फ्रैंक वेजली, ग करे कार्तिक चंद्र, घ करे सोमनाथ होर। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 232 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, यानी सोमनाथ होर। ठीक है फ्रेंड, जो सोमनाथ होर जी थे उन्हीं के द्वारा नाइट सिंफनी बनाया गया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेक्लिनिंग वोमेन 1987 ब्रांच माध्यम के मूर्तिकार हैं। तो फ्रेंड आपको बताना है, जो रेक्लिनिंग वोमेन है वो किसके द्वारा बनाया गया मूर्ति है। ठीक है, आइए देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए ऑप्शन क कह रहा है धनराज भगत, ख कह रहा है शंकु चौधरी, ग कह रहा है सोमनाथ होर, घ कह रहा है सुधीर रंजन खास्तगीर। तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 233 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, यानी सोमनाथ होर। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 234 है, बुड श्रृंखला किस कलाकार ने बनाई है। तो फ्रेंड आपको बताना है, जो बुड श्रृंखला है वो किसके द्वारा बनाई गई है। ठीक है, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन क करा है सोमनाथ होर, ख करा है धीरज चौधरी, ग करा है जोगेन चौधरी, ग करा है अनुपम सूद। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 234 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, यानी सोमनाथ होर। फ्रेंड सोमनाथ होर के द्वारा वुड श्रृंखला का निर्माण किया गया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 235 है, बच्चे 1955 से 70 ईस्वी में एचिंग और एक्वाटिंट माध्यम में, जो कि राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है फ्रेंड, ये किसकी कृति है आपको बताना है। ठीक है, चलिए फ्रेंड ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन क करे है सोमनाथ होर, ख करे नंदलाल बोस, ग करे मुकुल डे, घ करे चित्त प्रसाद। तो फ्रेंड जो बच्चे हैं वो किनके द्वारा बनाया गया कृति है। ठीक है, देखिए फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 235 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, यानी सोमनाथ होर। ठीक है फ्रेंड, सोमनाथ होर जी के द्वारा बच्चे नामक कृति बनाई गई है। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 236 है, भय 1989 ईस्वी में कांस्य प्रतिमा के निर्माता हैं। तो फ्रेंड जो भय नामक कांस्य प्रतिमा बनाई गई है वो किसके द्वारा बनाई गई है आपको बताना है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन क कह रहा है धनराज भगत, घ कह रहा है शंखु चौधरी, ग कह रहा है सोमनाथ होर, घ कह रहा है ललिता कट। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 236 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, यानी सोमनाथ होर। सोमनाथ होर जी के द्वारा भय नामक प्रतिमा जो है बनाया गया है वो कांस्य माध्यम में बनाया गया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 237 है, नाइट मीटिंग कास्ट उत्कीर्ण 1953 ईस्वी में किसका काम है। तो फ्रेंड आपको बताना, जो नाइट मीटिंग है जो कास्ट माध्यम के उत्कीर्ण में बनी है वो किसने बनाया है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन क करा है कमल कृष्ण, ख करा है सोमनाथ होर, ग करा है कृष्णा रेड्डी, घ करा है चित्त प्रसाद। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 237 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी सोमनाथ होर। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 238 है, सोसाइटी ऑफ इंडियन कंटेम्पररी आर्टिस्ट कलकत्ता का गठन किसने किया। तो फ्रेंड आपको बताना है, जो सोसाइटी ऑफ इंडियन कंटेम्पररी आर्टिस्ट जो कलकत्ता में संगठन किया गया था फ्रेंड, इसको किसने किया था आपको ये बताना है। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन क करा है अरुण बोस, ख करा है श्यामलाल दत्ता, ग करा है फ्रेंड संत कर, घ करा है कमल कृष्ण। तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 238 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, यानी अरुण बोस। अरुण बोस के द्वारा फ्रेंड सोसाइटी ऑफ इंडियन कंटेम्पररी आर्टिस्ट ग्रुप की गठन किया गया था। ठीक है,
इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 239 है, किसे जेंटलमैन आर्टिस्ट कहा जाता है। तो फ्रेंड आपको बताना है जेंटलमैन आर्टिस्ट किस चित्रकार को कहा जाता है, वो आपको बताना है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन क करे राजा रवि वर्मा, ख करे अवनींद्रनाथ टैगोर, ग करे MF हुसैन, घ करे जहांगीर साबावाला। तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 239 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, यानी जहांगीर साबावाला। तो फ्रेंड जो जहांगीर साबावाला हैं उन्हें जेंटलमैन आर्टिस्ट के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 240 है, कला जगत में लखनऊ के चितेरे कहे जाने वाले चित्रकार थे। तो फ्रेंड आपको बताना है कि ऐसे कौन से चित्रकार थे जिन्हें लखनऊ के चितेरे के नाम से जाना जाता था, ठीक है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन क करे रणबीर सिंह विष्ट, ख करे ललित मोहन सेन, ग करे मदन लाल नागर, घ करे BNR। तो फ्रेंड जो कला जगत में लखनऊ के चितेरे नाम से मशहूर थे वो कौन थे फ्रेंड, चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं, राइट आंसर देख लेते हैं। देखिए 240 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड जो, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, यानी मदन लाल नागर। तो फ्रेंड मदन लाल नागर जी को लखनऊ के चितेरे के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 241 है, सताया शहर 1966 ईस्वी में तैल पद्धति में बनाया गया के चित्रकार है। तो फिर आपको बताना जो सताया शहर के चित्रकार है वो कौन है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन क करे राम कुमार, ख करे मदन लाल नागर, ग करे रणवीर सिंह बिष्ट, ग करे अश्व घोष मिश्र। तो फ्रेंड 241 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी मदन लाल नागर। फ्रेंड मदन लाल नागर जी द्वारा सताया गया शहर बनाया गया है, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 242 है, बनयान गेट। फ्रेंड जो बनयान गेट 1991 में बनाई गई जोधपुर सैंडस्टोन से के शिल्पकार हैं। तो फ्रेंड जो बनयान गेट किसने बनाया है आपको बताना है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन क करे DP राय चौधरी, ख करे राम किंकर बैद, ग करे हिम्मत शाह, घ करे नागजी पटेल। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 242 का वो हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर घ, यानी नागजी पटेल, ठीक है। फ्रेंड जो बनयान गेट है फ्रेंड उसको नागजी पटेल ने बनाया है, ठीक है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 243 है, मूर्तिकार नागजी पटेल का जन्म हुआ था। तो फ्रेंड बताना है जो मूर्तिकार नागजी पटेल थे उनका जन्म कहाँ हुआ था। देखिए ऑप्शन क करे बड़ौदा, ख करे मुंबई, ग करे इंदौर, घ करे लखनऊ। तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 243 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, यानी बड़ौदा, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 244 कह रहा है, नागजी पटेल की पशु 1974 में काला संगमरमर में बनाया गया शीर्षक प्रतिमा कहाँ संग्रहित है। तो फ्रेंड आपको बताना जो नागजी पटेल के द्वारा पशु बनाया गया है वो कहाँ पे संग्रहित है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन क्या करें, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, भारतीय संग्रहालय कोलकाता, कला भवन शांति निकेतन। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 244 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, ठीक है फ्रेंड। तो नागजी पटेल द्वारा बनाया गया पशु जो है काला संगमरमर में शीर्षक प्रतिमा जो है कि वो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है फ्रेंड। फ्रेंड ये इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था, बाकी बचे हुए क्वेश्चनों को हम लोग नेक्स्ट सीरीज में हल करेंगे फ्रेंड। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।